सो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फोन आया है Xiaomi का अनलॉकिंग के लिए और आज हम इसे UMT की मदद से अनलॉक करने वाले हैं। अगर हम इसकी मॉडल की बात करें तो ये है Redmi Note 12 Pro 5G फोन और इसके अंदर MediaTek का CPU है। अभी आपको गूगल पे सर्च करके भी दिखाऊंगा मैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं FRP लॉक लगा हुआ है, चूंकि फोन को हमने पहले हार्ड रिसेट कर लिया। और आपको भी बताऊंगा कोई भी फोन आपके पास अगर आ रहा है, अगर आपको उसको अनलॉक करना है तो सबसे पहले उसको हार्ड रिसेट कर लीजिए। हर फोन का हार्ड रिसेट करने का तरीका अलग होता है। अगर Xiaomi का Redmi का कोई फोन आ रहा है आपके पास तो उसको अनलॉक करने का तरीका है, हार्ड रिसेट करने का तरीका है, पहले स्विच ऑफ करिए, देन उसके बाद से वैल्यूम अप और पावर बटन एक साथ दबाइए, जिससे कि हमारा फोन रिकवरी में जाएगा एंड यहां पे उसको वाइप डाटा करके फॉर्मेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से आपको उसको सिर्फ FRP क्लीन टूलों का यूज करना है। और अगर आपका फॉर्मेट नहीं हो पा रहा है तो आप इससे पूरी तरह से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टूल के अंदर आप देख सकते हैं फॉर्मेट फंक्शन में आके हमने सिर्फ रिसेट FRP वाला ऑप्शन यूज किया है, क्योंकि ये काफी सेफ रहता है, इससे फोन में कोई भी तरह का रिस्क नहीं रहता है। तो अभी हमने उस पर एग्जीक्यूट कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन हमारा कनेक्ट हो गया। हमने वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के केबल को जैसे कनेक्ट किया, फोन तो कनेक्ट हो गया बट हमारा मतलब यहाँ पे कोई एरर आ गया। तो अभी हम फिर से दोबारा फोन को चालू करेंगे, फिर स्विच ऑफ करेंगे और फिर दोबारा हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऐसे ट्राई करोगे तो आपका फोन हो सकता है कि फिर से एरर दे। तो कभी भी आपका फोन कोई एरर आता है टूल के अंदर तो एक बार फोन को रीस्टार्ट करना है, फिर स्विच ऑफ करने के बाद से फिर से वही ट्राई करना है प्रोसेस। तो फिर से हम एक बार वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबाए और देख सकते हैं हमारा फोन कनेक्ट हो गया और यहाँ पे प्रोसेस चालू हो चुका है। अभी आपको हेल्थ वगैरह देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर हेल्थ भी दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में, तो हेल्थ भी इसका ओके है और यहाँ पे रिसेट FRP भी डन हो चुका है। तो अभी हमारा फोन अनलॉक हो चुका है बहुत ही इजी तरीके से। और आप लोगों को पता है कि ये फोन लेटेस्ट सिक्योरिटी वाला है, लेटेस्ट फोन है, मतलब नया ही है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। और UMT के अंदर इसका सपोर्ट भी है, कुछ दिन पहले ही MTK का अपडेट आया था तो वहाँ पे इसका सपोर्ट मिल चुका है। तो अभी हमारा फोन तो अनलॉक हो चुका है, जब तक ये फोन खुल रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ FRP किया है तो हमारा फोन ज़्यादा देर नहीं लगेगा खुलने में। तो फटाफट से इसका हम सेटअप करके आपको दिखा देते हैं। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। हम इसी तरह की वीडियो हमेशा लाते रहें और आपको हमारा इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे, तो इसके लिए आपको बस एक क्लिक करना है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। तो जब तक ये फोन का मैं सेटअप कर रहा हूँ तब तक आप लोग बस एक क्लिक कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो यहाँ पे हमने सेटअप कंप्लीट कर लिया और आप देख सकते हैं हमारा फोन ऑन हो चुका है। अब सिंपल सा एक बार रिस्टार्ट करके भी आप लोग चाहो देख सकते हो, हमारा फोन अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली इस फोन का टच का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा टच दिक्कत कर रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको मतलब टच यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो दिक्कत आ रही है काफ़ी। बाकी यहाँ पे फोन अनलॉक हो चुका है आपके सामने, लाइव प्रूफ मैंने दिखा दिया है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आने वाली वीडियो में उस पर भी हम बात करेंगे, उसको भी हम कवर करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।